नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। राजधनवार के प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज छठ घाट की तैयारियों का खुरीमहुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह व धनवार सीओ नरेश कुमार वर्मा ने निरीक्षण किया। बता दें कि यहां पर 3 दिवसीय मेले के आयोजन के साथ अलौकिक सजावट की जाती है, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसी को लेकर पदाधिकारियों ने लगातार आज चौथी बार राज छठ घाट में साफ सफाई, झूला सहित आदि कई चीजों का निरीक्षण किया। वहीं सड़कों पर अतिक्रमण किए लोगों को कड़ी फटकार लगाते हुए अतिक्रमण नहीं करने की सख्त चेतावनी दी और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि यहां का छठ महापर्व अतुलनीय व अद्भुत है। यहां पर लगने वाले मेले व आकर्षक सजावट को देखने के लिए लाखों की भीड़ होती है। ऐसी परिस्थिति में छठ महापर्व बेहतर ढंग से कैसे सम्पन्न हो, इसी के तहत निरीक्षण किया जा रहा है। कहा कि यहाँ पर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। वहीं सड़कों पर अतिक्रमण किए लोगों को अतिक्रमण नहीं करने की सख्त हिदायत दी गई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई, जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। घाट राजधनवार का निरीक्षण किया गया, जिसके माध्यम से दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि चूंकि भीड़ की स्थिति बनती है और आज ही भीड़ सा नज़ारा दिख रहा है, जबकि अभी 3-4 दिन का समय बाकी है, तो सबसे अनुरोध है कि सड़क को वो छोड़ देंगे। जो हमारी कालीकरण वाली सड़क है या किसी भी सड़क है, उस पर तो बिल्कुल कुछ ना रहे। मोटरसाइकिल या गाड़ी जो भी है, वो जो छठ का दिन है उसके अगले दिन, ये 2 दिन बिल्कुल गाड़ियों को जो प्रतिबंधित क्षेत्र है उसमें न लाएँ। जो बाज़ार के लोगों से भी अनुरोध होगा कि वो भी उस समय गाड़ियों को निकाल करके लोगों को कठिनाई नहीं दें, और कार्य जो है वो चल रहा है सुचारू रूप से। सफाई अभियान का कार्य भी हम लोगों के द्वारा किया जाएगा 28 तारीख को, और सुबह में हम लोग सफाई अभियान के माध्यम से एक संदेश देंगे कि सभी लोग अपने अपने घर के सामने सफाई करें। दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति रहेगी पुलिस बल के जवान के लिए, एसपी साहब और डीसी साहब को लिखा गया है, वहाँ से आश्वासन भी प्राप्त हुआ है। महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती रहेगी और हम लोग लगातार 2 दिन निश्चित रूप से भ्रमणशील रहेंगे, ताकि किसी तरह की किसी को दिक्कत नहीं हो।